नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए भारत और विदेश से संबंधित चार मई के उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और एंजॉय करिए इन आज के करंट अफेयर्स को। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी पंजाब, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी महाराष्ट्र। ओके, चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है और ये सभी सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई थी। ये सभी सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई थी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने कितने वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल और डी 5 साल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, हैं आपके तरुण बजाज, जो कि 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं। ओके, बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी 4 वर्ष। वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहे तरुण बजाज ने 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं और ये 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिजाइनों को चुना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 डिजाइन, बी 2 डिजाइन, सी 3 डिजाइन और डी 7 डिजाइन। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 3 डिजाइन। ओके, जिनमें तीनों के नाम है डायनेटेक्स, स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन। ये वाला ब्लू ऑरिजिन है, ये वाला स्पेस एक्स है और ये वाला जो डिजाइन है ये डायनेटेक्स है। और नासा ने ये भी कहा है कि वो 2024 में एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर उतारेगा। एक महिला और एक पुरुष को 2024 में चंद्रमा पर उतारेगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अमेरिकी सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 मिलियन, बी 3 मिलियन, सी 5 मिलियन और डी 7 मिलियन। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए इसका, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी 3 मिलियन डॉलर। ओके, बी 3 मिलियन डॉलर। अमेरिकी सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को 3 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को अतिरिक्त धनराशि जारी करना दोनों देशों के बीच मजबूत और अस्थायी साझेदारी का उदाहरण है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ओके, ए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह अग्निशामकों के संरक्षक संत सेंट फ्लोरियन की दिन है। सेंट फ्लोरियन का दिन है। ओके, का दिन है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग पुर्तगाली लीग को कब से शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 10 मई 2020, 20 मई 2020, 25 मई 2020 और 30 मई 2020। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी 30 मई 2020। पुर्तगाल सरकार ने देश की फुटबॉल लीग
यानी पुर्तगाली लीग को 30 मई 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। बीच में कोरोना वायरस महामारी के कारण लीग पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही देश की सरकार अब भी स्टेडियम में संक्रमण को रोकने के लिए उपायों पर यह निर्भर करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रोवर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षा में विफल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन है ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी 4 साल। डिस्कस थ्रोवर एथलीट संदीप कुमारी पर वाडा ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल ने उनके नमूनों को सही पाया था। चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जल्द ही महिलाओं की खतना कराने की प्रथा को अपराध घोषित कराने की तैयारी की है? आपके ऑप्शन हैं ए इराक, बी सूडान, सी नॉर्वे और डी सऊदी अरब। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी सूडान। ओके, सूडान जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और यहीं पर आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में ही। ओके, जिसको सूडान में क्या कहते हैं बताइए? नूबियन डेजर्ट के बोलते हैं। ओके, सूडान में सहारा मरुस्थल को किस मरुस्थल के नाम से जानते हैं? नूबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में वीडियो आप लोग को ऊपर लिंक मिल जाएगी, ठीक है? ऊपर देखिए लिंक आ गई है, आप वहां पे क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी में अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है और उसी वाले वीडियो में आप लोग को इसके बारे में मिल जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शन हैं चीन, इराक, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी अमेरिका। ओके, अमेरिका ने हाल ही में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। साथ ही सूची में भारत के अलावा 10 देशों को भी शामिल किया गया है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, 4 मई को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए है तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका, सी अमेरिका। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी अमेरिका। 4 मई को अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जबकि अपने देश में भारत में सलीम अली का जन्म दिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। कब? सलीम अली के जन्म दिवस पर। ओके, सलीम अली के जन्म दिवस पर यानी 12 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।